भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र ने बहुत खूब कहा है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति का मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं एक असूल। सर्वप्रथम मैं आदरणीय प्रधानाचार्य गुरुजन और अपने सहपाठियों को प्रणाम करती हूँ और आज हिंदी दिवस के पुनीत अवसर में आप सबका स्वागत करती हूँ। भारतीय इतिहास में अगणित साहित्यकारों, समाज सेवाओं एवं राजनेताओं ने अब हमारी उत्कृष्ट हिंदी भाषा को अपने लेखक, सेविकाओं और शिक्षाओं से परिपूर्ण किया है। इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ गायत्री मंत्र और प्रार्थना से करते हैं, जो हम सबके समक्ष गौरांगी जोशी कक्षा 9 की छात्रा प्रस्तुत करेंगे। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ॐ विश्वानि देव सवितर्दुस्तानि परासुः यद्भद्रं तन्हासुः। देश जाति में जन्म लिया बलिदान
शक्तिय मेरो दयानिधे। धन्यवाद कुरान जी। अब मैं हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य डॉक्टर डी के सिन्हा से निवेदन करूंगी कि वह हमें अपने शब्दों से संबोधित करें। सुप्रभात बच्चों, आज हमें जान के बहुत प्रसन्नता हुई कि आप लोग हिंदी दिवस पे एक प्रोग्राम का आयोजन किया है और हमारी कोऑर्डिनेटर मिसेस संगीता बिश्नोई के अध्यक्षता में आप लोग इस प्रोग्राम को संचालित कर रहे हैं। बच्चों, हिंदी हमारी मातृभाषा है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी हिंदी को महत्व दिया गया है। हिंदी माध्यम से पढ़ाने से बच्चों में सब्जेक्ट के प्रति जो समझ है वो ज़्यादा संभव हो पाया है। और ये होता भी है कि जब हम किसी चीज़ को अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं तो हमारी समझ उस विषय के प्रति ज़्यादा सटीक हो जाती है। तो हमें हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए भारत सरकार भी समय समय पर कई योजनाएं और कई तरह के प्रतियोगिताओं को आयोजित करती है। तो हमें अच्छा लगा कि हमारे स्कूल के भी बच्चों ने हिंदी दिवस मनाने की एक चेष्टा की है। इस अवसर पर मेरी ओर से अनेक अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अग्रिम मास से निवेदन करती हूँ कि वह हमें हिंदी दिवस के बारे में संक्षेप में बताएं। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं अहो को सूल। हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज मैं अग्रिमा खंडेलवाल इस सु अवसर पर आप सभी को हिंदी का इतिहास संक्षेप में बताना चाहती हूँ। आज हमारे समक्ष जो हिंदी का स्वरूप है उसे हम आधुनिक हिंदी कहते हैं। भारत की सबसे पुरानी भाषा वैदिक संस्कृत मानी जाती है। वैदिक संस्कृत से संस्कृत और संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से आधुनिक भाषा निकली है। वैदिक संस्कृत में हमारे वेद लिखे गए हैं और इसका काल 1500 ईस्वी से 800 ईस्वी पूर्व माना जाता है। तत्पश्चात आती है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का काल 800 से 500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। लौकिक संस्कृत में महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों की रचना हुई है। संस्कृत के पश्चात आती है पाली भाषा। महात्मा बुद्ध की ग्रंथों की रचना भी इसी भाषा में हुई है। अशोक के शिलालेख भी इसी भाषा में लिखे गए हैं। पाली के पश्चात प्राकृत भाषा का जन्म हुआ। इसे सामान्य लोगों की भाषा माना जाता है। जैन साहित्य की रचना भी प्राकृत भाषा में ही हुई है। नाटकों में भी इस भाषा का प्रयोग खूब अच्छे से हुआ था। इसके बाद आई अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश का कार्यकाल 500 से 1000 ईस्वी माना जाता है। इसमें कालिदास की रचना भी आती है। इसके बाद आती है हमारी खड़ी बोली यानी आधुनिक हिंदी, जिसका कार्यकाल 1000 ईस्वी से लेकर अभी तक माना जाता है। हिंदी के साहित्यकारों के नामों से आप परिचित हो ही होंगे। इस काल में अनेक लेखक व कवि हुए, जैसे जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शिवमंगल सिंह सुमन और सुभद्रा कुमारी चौहान आदि। राष्ट्रभाषा हिंदी पर लिखी कविता की पंक्तियों को बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। हिंदी मेरी आन है, हिंदी मेरी शान है, हिंदी बनना कुछ यहाँ, हिंदी मेरी जान है। हिंदी ही तो है माँ की भाषा, हिंदी में ममता महान है। हिंदी में से तो ऐसी पहचान है भारत की, हिंदी मेरा अभिमान है। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। धन्यवाद अग्रिमा। अब अगली प्रस्तुति है कविता, जो हम सबके समक्ष संध्या भाटी कक्षा 6 की छात्रा प्रस्तुत करेंगी। तथा अध्यापकों को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं संध्या भाटी कक्षा 6 सा की छात्रा आज आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। 14 सितंबर को बस एक दिन करते हैं हम हिंदी का गुणगान,
14 सितंबर को बस एक दिन करते हैं हम हिंदी का गुणगान और बाकी दिन क्यों भूल जाते हैं हम हिंदी हिंदू हिंदुस्तान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। हम एक दिन मंच बना, सिर्फ एक दिन मंच बना, हमारे नेता भाषण देते, हम समझते कि हिंदी, जहां हिंदी का वो सम्मान तभी बन पाएंगे हम मान, और अगले ही दिन समझने लगते हैं हिंदी बोलने में हम अपना अपमान। अंग्रेजी बोलने वाले को मिला है हिंदुस्तान हिंदुस्तानी जमीन पर सम्मान, अंग्रेजी बोलने वाले को मिला है हिंदुस्तानी जमीन पर सम्मान, वह समझता है अपने आप को महान और भूल जाता है कि सालों पहले इसी अंग्रेजी ने बनाया था हमें वर्षों तक गुलाम, और भूल जाता है कि सालों पहले इसी अंग्रेजी ने बनाया था हमें वर्षों तक गुलाम। अरे सुन, अरे राह से भटके हुए हिंदुस्तानी इंसान, सुन अरे राह से भटके हुए हिंदुस्तानी इंसान, दिला हिंदी भाषा को उसका सम्मान, दिला हिंदी भाषा को उसका सम्मान, लौट आए तेरा अभिमान, लौट आए तेरा अभिमान, उठ खड़ा हो कर बार बार प्रयास, उठ खड़ा हो कर बार बार प्रयास, अपने मन में रख हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने की आस, अपने मन में रख हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने की आस। धन्यवाद। धन्यवाद संध्या। अब वक्त है आज के सुविचार और समाचार का, जो हम सबके समक्ष ऋतिक कक्षा 12वीं के छात्र प्रस्तुत करें। नमस्कार, आज का सुविचार है, जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है वह उन्नत नहीं हो सकता। धन्यवाद। गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर एम्स में भर्ती हुए, 31 अगस्त को ही हुए थे डिस्चार्ज। 24 घंटे में 94,042 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। देश में कोरोना मरीजों की संख्या का आंकड़ा 48 लाख के पार पहुंचा। भारत ने चीन से कहा, चीनी फौज के उकसाने वाली कार्रवाई ने द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन किया। LAC पर भारत चीन में तनातनी के बीच आसमान में उड़ते दिखे भारत के लड़ाकू विमान। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस। धन्यवाद। धन्यवाद ऋतिक। ये कहावत तो आप सबने सुनी होगी, हंसते हंसते कट जाए रस्ते। इसी बात से प्रभावित होकर अरनिमा कक्षा 6 की छात्रा हम सबके समक्ष एक हास्य कविता प्रस्तुत करेंगी। नमस्कार, मैं अरनिमा खंडेलवाल आज आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है हिंदी दिवस। अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, प्रोनाउंसिएशन से भी घबराते हैं, पर स्टाइल के लिए पूरी जान लगाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था, माँ की आवाज़ से सुबह का उजाला था, पर उस माँ को हम मॉम बुलाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया लेकिन हिंदी पीछे रह गई, इस भाषा से अब हम नज़र चुराते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। अब शुभकामनाएं बेस्ट विशेस के पीछे छुपाते हैं, अब हम अव्वल नहीं फर्स्ट आते हैं। हिंदी में भी अंग्रेजी की झलक पाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। गलत अंग्रेजी का हम खूब उपहास उड़ाते हैं, पर गलत हिंदी का गर्व बनाते हैं। वही लोग ऑटो करेक्ट से फ़ोन पर काम चलाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी हमारी पहचान पूरी दुनिया में कराती है। क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर से सर आंखों पर चढ़ाएं, क्यों ना साथ मिलकर हिंदी दिवस बनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद अरनिमा। आजकल के ज़माने में हम सबको नाट्य प्रस्तुति बहुत पसंद है, तो अब हम सबके समक्ष कक्षा 9 के छात्र एक लघु नाटिका प्रस्तुत करेंगे। सुप्रभात, आज हिंदी दिवस है और मैं जानती हूँ आप सभी बड़े उत्साह होंगे, पर मेरा आपसे एक प्रश्न है कि आपका ये उत्साह एक ही दिन क्यों दिखता है? क्या आप जानते हैं हमारी राष्ट्रभाषा, हमारी प्रिय भाषा, हमारी मातृभाषा हिंदी लुप्त होती जा रही है? आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि इसका क्या कारण है। इसका कारण ये है कि हम अपनी प्रिय भाषा हिंदी को कम से कम प्रयोग में ला रहे हैं, उसको लुप्त होने दे रहे हैं। पर इसमें हमारी भी क्या गलती है, जब दौर ही अंग्रेजी का है? अंग्रेजी नहीं आती तो कुछ भी नहीं आता, पर हम इस दौर को अपनी भाषा छीनने ही नहीं दे सकते। अब हमें सतर्क होना पड़ेगा, हमें सतर्क होना पड़ेगा, और हमें इस दौर से
अपनी राष्ट्रभाषा को छीनने से रोकना होगा। तो चलिए मैं आपको ऐसे ही दृश्य की ओर लेकर चलती हूँ जिसे मेरे साथियों ने आपके लिए रचा है। जिनके किरदार हैं वो हैं मेरे सभी सहपाठी, वो हैं दादी माँ का किरदार निभा रही हैं दिशा, पिताजी का किरदार निभा रहे हैं आकांक्षु, माता जी का किरदार निभा रही हैं जया, बेटे का किरदार निभा रहे हैं धनवंश और माँ की दोस्त श्रीमती वर्मा का किरदार तनु निभा रही है। चलिए हम पहले दृश्य की ओर चलते हैं। तो पहले दृश्य में यह है कि श्रीमती शर्मा अपने बेटे के विद्यालय उसका रिजल्ट लेने जाती है। नमस्कार श्रीमती शर्मा। नमस्कार, इस बार रोहन के अंक कैसे रहे? रोहन के अंक ज्यादातर विषयों में अच्छे हैं, सिर्फ अंग्रेजी को छोड़कर। आप उसकी अंक तालिका देख सकती हैं। अरे वाह, गणित में तो तुम्हारे 30 में से 26 हैं और विज्ञान में 30 में से 27, हिंदी में तो तुमने कमाल ही कर दिया, 30 में से 29। किंतु यह अंग्रेजी में इतने कम क्यों हैं, सिर्फ 15 अंक। माँ, मैं अगली बार और मेहनत करूँगा, मैं आपको वचन देता हूँ। रोहन एक बहुत ही अच्छा छात्र है, यह अवश्य बहुत मेहनत करेगा। आशा करती हूँ ऐसा ही हो। आने के लिए धन्यवाद श्रीमती। तो आपने देखा, रोहन के अंक सभी विषयों में बहुत अच्छे आए पर अंग्रेजी में नहीं आए। अब दूसरे दृश्य की तरफ मैं आपका लेकर चलती हूँ। स्कूल से लौटते समय श्रीमती शर्मा यानी कि रोहन की माँ अपनी प्रिय दोस्त श्रीमती वर्मा से मिलती है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार श्रीमती शर्मा। नमस्कार, और कैसा रहा राहुल का रिजल्ट? तो बहुत अच्छा रहा, राहुल के अंग्रेजी में पूरे अंक आए हैं। अच्छा, यह तो बहुत अच्छी बात है। और रोहन का रिजल्ट? वह भी बहुत अच्छा रहा, किंतु उसके अंग्रेजी में थोड़े कम अंक आए, बाकी सब विषयों में उसके काफी अच्छे अंक थे। अरे आपको नहीं पता, आजकल तो अंग्रेजी का ही जमाना है, अंग्रेजी नहीं आएगी तो दुनिया वाले आपके बच्चे को कुछ नहीं समझेंगे। आजकल अगर अच्छी नौकरी चाहिए तो अंग्रेजी तो अच्छी ही होनी चाहिए। मैं तो मेरे बेटे को अंग्रेजी सिखाने के लिए कोचिंग कराती हूँ। इस अंग्रेजी के जमाने में हिंदी बोलने वालों का कोई महत्व नहीं है, समझ रही है ना आप? मैं तो कहती हूँ आप रोहन को जल्द से जल्द अंग्रेजी सिखाने के लिए कोचिंग में डालिए। ठीक है, अब तो सोचना। तो देखा आपने कैसे रोहन की माँ के दिमाग में हिंदी के खिलाफ बुराई भर गई, जानबूझ के नहीं, जाने अनजाने में ही सही। चलिए अब मैं आपको तीसरे दृश्य की ओर लेकर चलती हूँ कि जब रोहन और उसकी माँ घर पहुंचे तब क्या हुआ। रोहन, आओ आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ जो हमारी मातृभाषा हिंदी पर आधारित है। हाँ आप रहने दो, हिंदी से आज तक किसी का भला हुआ है? रोहन के अंक अंग्रेजी में दिन ब दिन घटते ही जा रहे हैं, भला इस जमाने में अंग्रेजी के बिना कुछ होता है क्या? अरे क्या बात होगी, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है और बात रही अंग्रेजी की, वह तो रोहन स्कूल में भी सीख ही रहा है ना। ऐसी बात नहीं है, आजकल अंग्रेजी के बिना अच्छी नौकरी नहीं मिलती और ये उसी में कमजोर होता जा रहा है। अब तुम अपने आप को ही देख लो, अगर तुम्हें इतनी अच्छी अंग्रेजी ना आती तो तुम्हें अपने ऑफिस में इतना बड़ा पद मिलता? यह बात सच है कि अंग्रेजी बोलने वाले की आजकल ज्यादा पूछ है, परंतु इसका मतलब यह तो नहीं कि हम अपनी मातृभाषा भूल रहे हैं। तो मैं क्या करूं? मैंने तो सोच लिया है कोचिंग में जरूर जाएगा और मुझे लगता है तुम भी यह सोचोगे इसकी अंक तालिका को देख के। रोहन बेटा, यह तो बहुत सरल था, तुम्हें सिर्फ अपने सपनों के बारे में ही तो लिखना था, तो तुम क्यों नहीं लिख पाए? क्या तुम सपने नहीं देखते? पिताजी, मेरे सपने में बड़े बड़े पेड़ आते हैं, सुंदर नदियाँ आती हैं और खिलौनों के पहाड़ आते हैं, जिन और परियाँ भी आती हैं और कभी कभी तो आप, नाना, नानी, दादी, ये सब भी आते हैं। अब आप ही बताओ, हम सब कुछ तो अंग्रेजी में सीख रहे हैं पर हमारे सपनों को तो हमारी जुबान में रहने दीजिए। सही ही तो कह रहा है यह, क्या अब एक इंसान को इतना भी अधिकार नहीं रहा, इतना भी हक नहीं रहा कि वह अपने सपने अपनी जबान अपनी भाषा में देख सके?
भाषा के रूप में हिंदी ना सिर्फ भारत की पहचान है बल्कि हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक एवं परिचायक भी है। बहुत ही सरल, साधारण और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा भी मानी जाती है। यह ऐसी भाषा है जिसे दुनिया भर में बोलने, चाहने और समझने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। यह विश्व की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली तीसरी भाषा है, जो हमारे पारंपरिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु भी है। हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है, यानी हमारी माँ की भाषा है। क्या कोई अपनी माँ को इस तरह से छोड़ देता है जिस तरह से लोग हिंदी को छोड़ते जा रहे हैं? आजकल अंग्रेजी का दौर है, किंतु हिंदी बोलने वालों की भी संख्या कम नहीं है। अंग्रेजी आजकल सबके दिमागों पर चढ़ी हुई है, पर कोई यह नहीं सोच रहा कि हम अपनी मातृभाषा को, अपनी माँ की भाषा को लुप्त होने दे रहे हैं। क्या यह सही है कि एक इंसान आजकल अपने सपने भी अंग्रेजी में देखने को मजबूर है? अब तुम सभी सोचो कि अंग्रेजी के साथ तुम्हारा अस्तित्व क्या है और हिंदी के बिना तुम्हारा अस्तित्व क्या है। मैं यह जानती हूँ कि अंग्रेजी ज़रूरी है क्योंकि यह लोगों से मिलने जुलने में तुम्हें मददगार साबित होती है, किंतु हम अपनी मातृभाषा का प्रयोग ज़्यादा भी तो कर सकते हैं। हम अपनी मातृभाषा को लुप्त होने से भी बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। याद रखो, अपनी मातृभाषा के बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। अब बाकी फैसला मैं तुम दोनों के ऊपर छोड़ती हूँ। जी, आप सही कह रहे हैं। हम अपने रोहन को हिंदी बोलने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि मुझे अब समझ आ गया है कि हिंदी के बिना हिंदुस्तानियों का कोई महत्व ही नहीं है। ये तो हमारी भाषा है, हमारी मातृभाषा हिंदी। लोग समझे या ना समझे, ये लोग तो समझ गए कि हिंदी हमारे लिए कितनी जरूरी है। बिना हिंदी के तो हम कुछ है ही नहीं। हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानियों की पहचान होती है हिंदी। हमारी राष्ट्रभाषा, हमारी मातृभाषा है हिंदी। हमारे देश में हर वर्ष 14 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। मेरा आपसे एक प्रश्न है, हम यह दिवस मना तो लेते हैं, पर क्या आप में से किसी को यह पता है कि यह क्यों मनाया जाता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ यह क्यों मनाया जाता है। 14 सितंबर सन 1949 में भारतीय संविधान सभा में यह फैसला लिया गया था कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा बनेगी। जो लोग हिंदी में ज्ञान रखते हैं उनको अपनी जिम्मेदारियों का बोध कराने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। हिंदुस्तानियों को अपने कर्तव्य भाषाएं भी जरूरी हैं, पर हमें अपना ज्यादातर समय अपनी हिंदी भाषा के साथ ही बिताना चाहिए। तो ये थे मेरे आपसे कुछ बातें जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी। मैं तो इसी के साथ मैं आपकी कथावाचक आर्या और मेरे साथी आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वाह, आप सब तो प्रशंसा के काबिल हैं। अब हम सबके समक्ष भूमिका कक्षा 10 की छात्रा एक मधुर गीत प्रस्तुत करने जा रही है।
हो रहा बेखबर कुछ ना आता नजर चुप का सूरज छुपा जा रहा है तेरी रोशनी में जो गम तो आमावस को कर दे पूनम नेकी पर चले और बदी से टले ताकि हंसते हुए निकले गम ए मालिक तेरे बंदे हम हंसते हुए निकले दम ए मालिक तेरे बंदे हम बड़ा कमजोर है आदमी अभी लाखों है इसमें कमी बड़ा कमजोर है आदमी अभी लाखों है इसमें कमी पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा तेरी कृपा से धरती थमी दिया तूने हमें जब जन्म तू ही झेलेगा हम सबके गम नेकी पर चले और बदी से टले ताकि हंसते हुए निकले गम ए मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे करम नेकी पर चले और बदी से टले ताकि हंसते हुए निकले गम ए मालिक तेरे बंदे हम वाह भूमिका क्या मधुर गीत था। अब हमारी कोऑर्डिनेटर मैम संगीता बिश्नोई मैम हमें अपने शब्दों से संबोधित करेंगी। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, माननीय शिक्षक साथियों एवं प्रिय बच्चों, हर वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और माह के 15 दिनों को हिंदी पखवाड़ा कहा जाता है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से हिंदी भाषा चौथी मानी जाती है, या हम कह सकते हैं चौथे नंबर पर है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया था, परंतु गैर हिंदी राज्यों ने इसका बहुत विरोध किया जिसके कारण अंग्रेजी को यह स्थान मिल गया और तब से लेकर आज तक हिंदी के सर्वत्र विकास के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है और हर कार्यालय में हिंदी विभाग बनाया गया ताकि हिंदी भाषा को जन जन तक पहुँचाया जाए और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का सम्मान मिल सके। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मुझे हिंदी के जाने माने कवि श्री हरि शंकर परसाई जी की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। उन्होंने कहा था, हिंदी दिवस के दिन हिंदी बोलने वालों से कहते हैं कि हमें हिंदी में बोलना चाहिए।
यह स्थिति हमारे हिंदुस्तान की है, जबकि दुनिया की चौथी भाषा सबसे बड़ी भाषा हिंदी ही है। आज कुल आबादी के 20% लोग हिंदी में बोलते हैं या हिंदी भाषी लोग हैं, यानी कि दुनिया का हर पांचवा व्यक्ति हिंदी जानता है या हिंदी बोलता है। हिंदी भाषा और भी सशक्त तथा ताकतवर हो गई है। आज सोशल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल, डेटा आदि सब इतना सस्ता हो गया है कि इसकी वजह से हर व्यक्ति हिंदी में बातचीत करता है और कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, और हिंदी को हम फिर क्यों ना और सशक्त तथा ताकतवर बनाएं। पिछले सालों में अमित शाह ने हिंदी के ऊपर कुछ अच्छे वक्तव्य बोले थे, वो भी मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ कि देश के कुछ लोग, कुछ ऐसा लोग मानते हैं कि भारत की अनेक भाषाएं और बोलियां देश के लिए बोझ है, पर मुझे लगता है कि भारत देश की अनेक भाषाएं और अनेक बोलियां हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है, परंतु ज़रूरत है हमारे देश की एक भाषा की, जिसके कारण हमें विदेशी भाषाओं को हमारे भारत में जगह ना मिले। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने राजभाषा की कल्पना की थी और राजभाषा के रूप में हिंदी को ही उन लोगों ने स्वीकार किया था। अब ज़रूरत है हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित, प्रसारित और संशोधित करने की, और उनके साहित्य को, हिंदी साहित्य को नए युग की तरफ ले जाने की, हिंदी भाषा को मजबूत बनाने के लिए गैर हिंदी भाषी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा को अपनाना होगा। और हिंदी भाषा में मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सरस सरल मनोहारी है अपनी हिंदी, प्यारी है मीठे शब्दों वाली है, यह फूलों की डाली है हिंदी, हिंदुस्तान लगे अद्भुत शान हमारी है अपनी हिंदी प्यारी है। कबीरा का आखर ढाई है, तुलसी की चौपाई है, ये भावों की सरिता है, मीठी मोहक कविता है, सुरभित है उजियारी है अपनी हिंदी प्यारी है। शब्द शहद से मीठे हैं, यह मन में बस जाती है, जीवन को महकाती है, खिली खिली फुलवारी है अपनी हिंदी प्यारी है। अब हिंदी का इतना अधिक विकास हो गया है कि देश विदेश के प्रत्येक व्यक्ति ऑनलाइन हिंदी साहित्य में पत्र पत्रिकाएं, बाल साहित्य भी पढ़ने के लिए आसानी से पढ़ सकते हैं। और आज फिल्म, टीवी, विज्ञापन और समाचार हर जगह हिंदी का बोलबाला है। आज हिंदी ने अपने स्वरूप को एक अधिक स्थान पर खड़ा कर दिया है। सरकारी कार्यालयों से लेकर निजी कार्यालयों तक हिंदी में कार्य किया जाता है। हिंदी भाषा के अंदर एक अपनापन है, एक मिठास है, जो हिंदी भारतीयों के दिलों की अभिव्यक्ति का साधन है। हम अपनी सूक्ष्म अनुभूतियों को जिस माध्यम से व्यक्त करते हैं, वह हमारी भाषा बन जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब अंग्रेजी या विदेशी भाषा बोलने वाले लोगों को अपने दिल की बात कहनी होती है, तो वो हिंदी में ही बात करते हैं, हिंदी का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि हिंदी भारतीयों के दिल की भाषा है या व्यक्ति का साधन है। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपकी अभिव्यक्ति से हमें हिंदी दिवस के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। अब हम सबके समक्ष कक्षा 12वीं की छात्रा मंजुला अपनी स्वरचित सुंदर कविता प्रस्तुत करेंगी। Hello everyone, this is Manjula and today I'm here for presenting my poetry on Hindi Divas in Hindi. And before starting my poetry, I want to give my intro in few lines. Ek andaaz hoon bebaak hoon, main chalti hui raag hoon, main aur kuch to nahi, par ek naye yug ka aagaaz hoon. Thodi sharm bhi hai, thodi haya bhi hai, par kya karein, ye duniya thodi behaya bhi hai. And now let's move on with my poetry. थी वो मेरी पुरानी दुनिया जब मैं प्रतिबंधित हुआ करती थी, पर आज ज़रा तौलो मैं अपने आराम के लिबास का चमन हुआ करती हूँ। वाकई बहुत बदल गई है ये दुनिया, नींद की करवटों से उठकर सुबह की जल्दी में ढल गई है ये दुनिया। मैं कोई राम की सीता तो नहीं, पर उसकी चीखें, उसका दर्द ज़रूर हूँ। मैं द्रौपदी का वो चिर हूँ जिसे बेरहमी से खींचा गया। मैं सबरी की वो जूठन भी हूँ जिसे लक्ष्मण छू ना पाए। मैं कौशल्या की ममता भी हूँ जिससे रामलला घर आए।
मैं रिश्तों में वो गांठ भी हूँ जो जीवन भर लग जाए, मैं रिश्तों में वो प्रेम भी हूँ जो परिणय सूत्र तक जाए। और क्या बताऊँ मैं मेरी परिभाषा, मैं आशा भी हूँ, मैं निराशा भी हूँ, मैं संयोग भी हूँ, मैं वियोग भी हूँ, मैं वात्सल्य भी हूँ, मैं जुगुप्सा भी हूँ, मैं करुणा भी हूँ, मैं रौद्र भी हूँ। ज़्यादा में मत समझो मुझे, तुम कम ही में भाप लो, मैं तो वो भी हूँ जो तुम्हें जन्म देती है और जिसे तुम प्यार से कहते हो अम्मी, अम्मा, माई, अम्मू और माँ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। धन्यवाद मंजुला, आपकी कविता बहुत ही सुंदर थी। अब अगला कार्यक्रम बहुत ही मनमोहक है, अब हम सबके समक्ष एक नृत्य प्रस्तुत होने वाला है। साधु हूँ पर निपट पार की खान, व्याख्या करने की आवश्यकता तो नहीं किंतु दृष्टिपात किया जाए तो हमारे देश के अभिवाक्त वर्ग की यही स्थिति हो गई है। हम सब हिंदी भाषा के विस्तार और प्रसार के लिए सौगंध लेते हैं, प्रण लेते हैं, किंतु दिन बीतते ही वही ढाके तीन पात वाली स्थिति में आ जाते हैं। मानो कथनी और करनी में अंतर रखना हमारी प्रवृत्ति बन चुकी है। अब मैं आखिर में कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी और फिर आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। हिंदी का केवल बातें हैं, हिंदी से अपना मूड मोड़े, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड डे है, शुभ संध्या, शुभ प्रभात छोड़े, सब खिचड़ी लो बोल चाल, ना इंग्लिश, ना हिंदू, ना उर्दू, थोड़ी तो शर्म करो मित्रों, हिंदी से करो थोड़ा प्यार। सभी शिक्षक गण और सभी छात्रों से मैं धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि आप सभी ने इतने गंभीर कार्यक्रम में अपनी इतनी उच्च ऊर्जा और उत्साह से भागीदारी की। अब मैं संवत स्वर में भारत माँ की जय का जय घोष करना चाहूँगी। भारत माता की जय। धन्यवाद आप सभी का और आप सभी को 14 सितंबर हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।